खानपुर विधानसभा 2022 का चुनाव में इस बार कौन बनेगा खानपुर का विधायक, ये तो 10 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की जीत के लिए बच्चों ने मंदिर मस्जिदों में प्रार्थना शुरू कर दी है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी प्रत्याशी की जीत के लिए बच्चे शुरू से ही दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें, पत्रकार उमेश कुमार शर्मा खानपुर विधानसभा से हेलीकॉप्टर के निशान पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनके सरल स्वभाव के कारण कुछ ही दिनों में एक लंबा काफिला उनके साथ जुड़ गया है। वहीं अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। 10 तारीख यानी कल सभी प्रत्याशियों का भाग्य खुलने वाला है। आज हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि उमेश अंकल भारी वोटों से जीत जाए। हाँ, मुझे अपने भगवान जी पर पूरा विश्वास है। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।